एमए हम लोग कठपुतली वाला पिपड़ी या सीटी बनाई जा। एकरे खातिर अपने के दू गो आइसक्रीम का डंठी लगी, एगो पेपर का पट्टी लगी, दू गो माचिस का कांडी और रबर बैंड लगी दू गो। अब दू गो माचिस के कांडी के बीच में से तोड़ लें और ओकर जले वाला हिस्सा निकाल दें। अब एगो आइसक्रीम के डंठी के ऊपर कागज रख लें और ओकर ऊपर दूसर आइसक्रीम के डंठी रख लें। आप लोग देख सके नीचा के तरह। अब एगो रबर बैंड से आइसक्रीम का दोनों डंठी और कागज का जोड़ी के एगो कोना के अच्छा से बांध लें। आप लोग देख सके नीचा के तरह। अब टूटल भर माचिस का कांडी लेके पेपर के ऊपर और डंठी के नीचे रख लें और ओके लगल भर रबर बैंड के छोड़ के नज़दीक लेके जाके छोड़ दें। आप लोग देख सके नीचा के तरह। अब यही तरह दूसरा रबर बैंड लें और आइसक्रीम के डंठी का जोड़ी का दूसर छोड़ के अच्छा से बांध लें। आप लोग देख सके नीचा के तरह। ई भइले के बाद दूसर माचिस का टूटल भेल कांडी ले लें और ओहू के कागज के ऊपर वाला परत पे रख के, लेकिन दोनों डंठी के बीच में रख के दूसर रबर बैंड के नजदीक ले जाके जाके ओके छोड़ दें। अब ए असेंबली का दोनों छोर अपने हाथ में पकड़ के बीच के हिस्सा के अपने मुंह में डाल के उनमें से हवा मारें। आप लोग देख सके नीचा के तरह। ऐसे पहले तो आप लोग देख सके नीचा कि इनमें से बहुत ही अच्छा ध्वनि निकलेगा। इनमें हम लोग रबर बैंड की जगह पे धागा भी इस्तेमाल कर सके नीचा। आप लोग देख सके नीचा के तरह। आप लोग सांस अंदर बाहर करके भी ध्वनि निकाल सके नीचा।